हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। उसके लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 4 उबले हुए आलू, उबले हुए चने आधी कटोरी, कटा हुआ खीरा, कटे हुए प्याज बारीक कटे हुए, 2 नींबू, इमली, देगी मिर्च, एवरेस्ट अमचूर पाउडर, काला नमक, हिमालयन सॉल्ट, और साथ में चाहिए कुछ भुने हुए मसाले हमको, जीरा, धनिया और लाल मिर्च। और ये हमने पुदीने की और धनिए की ग्राइंड करके चटनी बनाई है। इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा प्याज भी हमने डाला है। तो सबसे पहले हम इमली को मसल लेंगे थोड़े गुनगुने पानी में, और फिर इसको छान लेंगे अच्छे से। जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर और सख्त चीज़ें वो निकल जाएंगी इसमें से। हम इसको अच्छे से छान के पानी को अलग कर लेंगे। पानी एक बड़े बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे, तकरीबन 1 कटोरी इमली का पानी। और साथ में हम लोग डालेंगे 1 लीटर पानी, और एक बार हल्के से इसे चला देंगे ताकि पानी में इमली अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ दे। उसके बाद हम जो हमने बारीक हरी चटनी पीसी हुई थी वो हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद डालेंगे हम इसमें हिमालयन सॉल्ट तकरीबन 1 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे काला नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने ये जीरा और धनिया का जो पाउडर था, सूखे मसाले थे, उनको ग्राइंड करके रख लिया था। 2 चम्मच हम लोग ये डाल देंगे। ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ में हम डाल देंगे एवरेस्ट का अमचूर पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे हल्के हाथ से, ताकि इसमें बबल्स ना बन जाए। अमचूर बहुत ही बारीक ग्राइंड किया होता है, अमूमन उसके बबल्स बन जाते हैं, तो वो बबल्स नहीं बनेंगे। हम बबल्स बस्ट कर देंगे सारे। और साथ में डालेंगे हम लोग इसमें लाइम जूस, नींबू का जूस, नींबू का रस। तकरीबन 2 नींबू हमने लिए हैं। आप कम ज़्यादा आपके स्वाद अनुसार इसको बना सकते हैं। चलिए हम इसमें नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो बारीक कटे हुए खीरे थे वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। इतने बारीक काटने हैं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करें, ना कि डूब जाएं। और प्याज भी आपने इतने फाइन चॉप करने हैं कि वो ऊपर तैरें, इस पे बेस पे ना बैठ जाएं, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। चलिए, ये हो गया है हमारा पानी तैयार। तो हम लोग गोलगप्पे बनाने के लिए, पानी पूरी बोलते हैं उसको, पानी पूरी बनाने के लिए कढ़ाई रख देते हैं गैस पे। 4 चम्मच ऑयल ले लेंगे हम, कोई भी अच्छा कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, ये रेडीली अवेलेबल मार्केट में मिल जाते हैं। सिर्फ आपको बेक करने होते हैं ऑयल के अंदर। देखिए, हम लोग बेक कर लेंगे इसको बहुत ही हल्के हाथ से, स्लो मीडियम हीट पे इसको पकाना है ताकि ये जल ना जाए अच्छे से। देखिए कितने अच्छे निकल के आ रहे हैं ये, बहुत बढ़िया, और एक जैसा साइज़ आ रहा है इसमें। जब ये हल्के गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, रेडिश लुक देने लगेंगे, तो आप निकाल लीजिए इसको टिश्यू पेपर पे। ऐसे ही सारे गोलगप्पे आप निकाल सकते हैं, जितने आपको चाहिए उतने गोलगप्पे बना सकते हैं। बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों। ये पानी आपका बिल्कुल रेडी है, और साथ में ये आलू का मसाला, आलू और चने का मसाला, और साथ में गोलगप्पे, पानी पूरी, साथ में जो हमारे पास बचे हुए खीरे हमने काट के रखे थे वो भी आप ले सकते हैं, ओनियंस चॉप्ड हैं वो आप ले सकते हैं। एक बार स्टिर कर दीजिए इसको, अच्छे से हिला दीजिए पानी को, और ये बिल्कुल अब खाने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों, सर्व करते हैं आपके लिए। वाह, देखिए कितनी बेहतरीन इसकी लुक आ रही है। बाज़ार की पानी पूरी से भी बेहतरीन पानी पूरी ये बनी है, और टोटल हाइजीनिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालें। वाह,